इसके बावजूद आप ड्यूटी पर हैं। हाँ जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ त्यौहार पे पब्लिक की सुरक्षा करना, ट्रैफिक रेगुलेशन पे ध्यान देना हमारा कर्तव्य है सर। क्योंकि त्यौहार पे ना ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इसलिए ड्यूटी करना ज़रूरी है। त्यौहार हम नाइट में मना लेंगे, दीपावली नाइट में मना लेंगे, हम ट्रैफिक व्यवस्था संभाल लेंगे। आपकी ट्रैफिक में ड्यूटी लगी है। हाँ जी। और भी आपको इंतजाम में दिया गया है कि सिविल के अंदर रात को काफ़ी रश रहेगा, उस दरमियान आपको क्या उसमें भी ड्यूटी दी गई है? नहीं सर, हमारी नहीं लगाई, ट्रैफिक वालियों में नहीं लगाई। ट्रैफिक की ड्यूटी है आपकी? हाँ सर। त्यौहार होने के बावजूद आप अपनी ड्यूटी पे को यहाँ पर टाइम से दे रहे हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप है ना, मेरे बहन भाई या जो भी हैं जो सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों की पालना करें, अपने घर वालों को बताएं, सेफ चलें और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, कम से कम एक्सीडेंट हो सके। दीपावली के लिए संदेश देना चाहती हूँ सर, खुश रहें, अच्छे से इंजॉय करें, ये लाइटिंग का त्यौहार है, इस पर इंजॉय करें फुल और सेफ चलें। क्या संदेश देना चाहेंगे और दिवाली के लिए? सर, दीपावली पे पटाखे कम से कम जलाएं, जिससे प्रदूषण कम हो, सांस लेने में पब्लिक को परेशानी हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं हो, पक्षियों को भी नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है इससे, मान लो प्राकृतिक प्रदूषण फैलने से इससे तो प्रॉब्लम तो होगी, प्रकृति को नुकसान होता है सर प्रदूषण से, पब्लिक को परेशानी होती है, जो बूढ़े लोग हैं या जिसके सांस की प्रॉब्लम है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम फील होती है उन लोगों को। आपका नाम है? सुखजीत। हमेशा रहती है, चाहे त्यौहार हो या कोई भी मौका हो, उसके ऊपर पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ काम करती है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप इस चीज़ के लेकर के, और आज त्यौहार का दिन भी है, ख़ास तौर से लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी जो है ऑन ड्यूटी है? सर, यही कहना चाहूँगी कि पुलिस हमेशा, पुलिस अगर सड़क पर हम ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं तभी लोग अपने घर पर लक्ष्मी जी की पूजा आसानी से कर पाते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं ताकि कोई हादसा नहीं हो जाए और लोग सुरक्षित घर पर पहुँचें। और रही घर की बात, तो पुलिस में हमेशा ड्यूटियाँ ही रहती हैं और त्यौहारों पर स्पेशल ड्यूटियाँ रहती हैं, देखते हैं। लोगों को दिवाली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके की दिवाली मनाएं? लोगों को यही कहूँगी कि आप सुरक्षित चलिए और सेफ होकर के चलिए, आप ड्रिंक्स ना करें, आराम से अपनी दिवाली मनाएं, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं और अच्छी तरीके से आप अपनी दिवाली मनाएं। पटाखों का आप इस्तेमाल करिए, ग्रीन पटाखे चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करिए, जानवरों का ध्यान रखें, बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें जो काफ़ी बीमार रहते हैं, ऐसा मैस वगैरह में काफ़ी है, हॉस्पिटलों के पास में विशेष ध्यान रखें आप। चाइनीज़ पटाखों का इस्तेमाल अक्सर होता है, क्या कहना चाहेंगे उनको? सर, होता है, काफ़ी तादाद में हो रहा है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ग्रीन पटाखे को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे भी थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल बढ़ेगा, चाइनीज़ का कम होगा, अब लोगों की अवेयरनेस के ऊपर है कि वो लोग कम से कम चाइनीज़ पटाखों का इस्तेमाल करें। दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए। सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी अच्छे से दिवाली मनाएं अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, और हमारी मदद करें, आप यातायात संचालन में करें और दीपक की रोशनी की तरह आपका जीवन हमेशा जगमगाता रहे। नाम बता दीजिए आप। विनीता हूँ।